श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश के हर निकायों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। एक दिन पहले ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण राज्य में जहां जहां पड़े थे हम उन स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने मनोरमागंज स्थित गीता भवन में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की है और इस दौरान सीएम ने भगवान को बांसुरी भी भेंट की। गीता भवन सच्चे अर्थों में इसी बातों को करने का एक संवाद का केंद्र है। मैं आज यही घोषणा कर रहा हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय में प्रत्येक स्थान पर गीता भवन खोलेगी और ये सब आनंद के साथ चर्चा परिचर्चा का मौका है। हर प्रदेश की नगरी इकाई में जहां जहां जगह रहेगी, जहां गीता भवन है उनको तो हम आपका प्रणाम करते हैं, गीता भवन के ट्रस्टियों का सम्मान करते हैं। बदले में आप थोड़ा चाहोगे सरकार आपकी भी मदद करेगी, लेकिन जहां नहीं है वहाँ नगरी निकाय को धनराशि उपलब्ध करा करके ये हमारी सभी प्रकार की चर्चा परिचर्चा के केंद्र, जिसमें इन सारी बातों का मौका लेकर के जीवन में हमारे पुराने ऐतिहासिक सच को इतिहास को जीवन करने के लिए एक संवाद का केंद्र होना चाहिए। इसी भावना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इंदौर के अपने सारे मित्रों को बधाई। इंदौर के दशहरा मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगे नजर आए मुख्यमंत्री और इस आयोजन में हजारों की तादाद में कन्हैया बच्चे बने, यशोदा बनी मां के साथ पहुंचे कन्हैया बच्चे और यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी कन्हैया और उनकी मां का स्वागत किया। आयोजन में उत्साह इस कदर था कि भारी बारिश के बावजूद पंडाल में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। गोविंदा आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला, गोविंदा आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला। अरे एक दो तीन चार संग पाँच छ सात बाला, ओ गोविंदा आला रे संभाल ब्रज बाला। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद सीएम ने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर लिखा कि भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श पुत्र सखा शिष्य एवं कुशल प्रबंधक थे। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं जीवन जीने का सही मार्ग प्रदर्शित करती है। आज गीता भवन इंदौर में भगवान श्री कृष्ण पर आधारित एक दिव्य व्याख्यान माला कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी उपस्थित रहे। ऐसा तो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमारा मानव जन्म होता है और ऐसे में मानव जन्म में और भाग्य हो तो भारत में जन्म मिलता है और ज्यादा भाग्य अच्छा हो तो मध्य प्रदेश में मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है और माँ अहिल्या का आशीर्वाद से यहाँ इंदौर में जो नया अध्याय लिखा है जन्माष्टमी, ऐसे घर घर भगवान अपने गोपाल भेजती है, बालक भेजती है। हर माँ का सपना है, हर परिवार की इच्छा है कि उसका बालक भगवान कृष्ण का अनुयायी हो, उस रूप में जाना जाए। विदिशा जिले के ग्राम पट्टन में यदुवंश के गौरव शूरवीर शिरोमणि ठाकुर मर्दन सिंह की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सागर सांसद ललना वानखेड़े, विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने प्रतिमा स्थल पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद लता वानखेड़े ने छतरी बनाए जाने के लिए 5 लाख रूपये और जमीन आवंटित करने की बात कही। शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने 25 लाख रूपये स्वीकृत करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में वे शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाराजा यशवंत राव विद्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण सुनते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में झाबुआ का भी जिक्र किया। सफाई कर्मचारियों की टीम ने झाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत कलाकृतियां बनाई है, जिसको लेकर पीएम ने कहा कि झाबुआ के भाई बहनों ने हमें दिखाया है कि वेस्ट टू वेल्थ का संदेश हकीकत में कैसे बदला है। झाबुआ का जिक्र करने पर सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया।
ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सांसद ने कहा कि जिसके मन में देश की सेवा के प्रति तड़प होती है वही जनता से डायरेक्ट जुड़ता है। प्रधानमंत्री देश के हर उस युवा के संपर्क में है जो देश और समाज को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में नवा रायपुर में यहां पर एनसीबी की कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने कहा कि इसके माध्यम से राज्य सरकार के सहयोग से इसके दुष्प्रभाव को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर के विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि यूपीएस के जरिए सरकार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रही है।